हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, ऑलटेक सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं, जो आपको शायद ही पता हो गया, ये नया फीचर्स यू कहा जाए। आपने सुना होगा डार्क मोड, आपको करके दिखाते हैं। ये ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर डार्क मोड ऑन हो चुका है। इसमें कुछ कुछ सेटिंग चेंज हो जाती है, जो दिन और रात में कुछ कुछ जो डिस्प्ले का कलर है चेंज हो जाता है। पर अभी हम लाइट मोड में रखेंगे, डार्क में रखेंगे, क्योंकि हम दिन के टाइम में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि डार्क मोड आपको कर दिए तो डार्क हो जाता है, पर अगर अपन इसको शेड्यूल में कैसे करना है, तो इसके लिए हमने कुछ आपको सेटिंग्स बताते हैं। और ये सेटिंग्स ओप्पो और रियलमी दोनों फ़ोन में लागू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे। डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाने के बाद ऑटो स्विच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सनसेट टू सनराइज, दो ऑप्शन होगा, सुबह और शाम। और इसमें आपको कस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइम पे आपको सेट करना है डार्क मोड और किस टाइम पे हटाना है। तो जो अगर आप खुद सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये टाइमिंग सेट हो जाएगी, जैसे यहाँ 6 बजे और डार्क मोड है 10 बजे। तो रात के 10 बजे से दिन के 6 बजे तक ये डार्क मोड रहेगा और दिन में नहीं रहेगा। पर इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग इसके सेट कर सकते हैं। और मेरे फ़ोन में तो पहले से डला हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो आज आपको इसी के बारे में जानकारी देना था। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए तो हम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।